हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है, तो चलिए देख लेते हैं 9 से 15 के बीच में नवंबर मंथ में यानी नवंबर 2022 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सो पॉजिटिव रहें। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, जस्टिस, एट ऑफ वांड्स। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ की तरफ से एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहोगे अपने लाइफ में, जहाँ पर आपका ही मर्जी चलेगा, और आप अपने लव लाइफ में बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो। सो कोई एक मिराकल वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने वाला है इस टाइम पर आपके लव लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ लव लाइफ की तरफ से पॉसिबल हो सकती है। इसका अंदाज़ा आपको नहीं है या फिर नहीं होगा, पर ये चीज़ आपके लाइफ में पॉसिबल होने वाली है। सो आप इम्पॉसिबल चीज़ों पर विश्वास करना स्टार्ट कर दो, आप मिराकल पर विश्वास करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होने वाली है या फिर क्रिएट होने वाला है। और यहाँ पर हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस टाइम पर अपने लव लाइफ को साइड करके अपने काम में फोकस करना चाहोगे, पर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ इशू ऐसा होगा जिसको आप सॉल्व किए बिना अपने काम में मन नहीं लगा सकते हो। आप जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बार बार उसी इशू की तरफ इशारा करेगा, उसी डिरेक्शन में जाता जाएगा, ओके, जब तक आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर लेते। यहाँ से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। सो ये बॉटम तक देखें, सम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अलग से मुझे लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी अलग से दिख रही है, वर्ड साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, एयर साइन जिमना लिब्रा एक्यूरियस की एनर्जी दिख रही है, और अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर, और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक होली कार्ड है। इसका मतलब है आपके लव लाइफ में इस टाइम पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओके, सो आप जितना भी कोशिश कर लो, जो भी कर लो, ऊपर से जो लिखा गया है आपके लव लाइफ में वही इस टाइम पर होने वाला है। आप उसको कोशिश करके भी बदल नहीं सकते हो। ओके, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और आप अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करोगे। और मुझे यहाँ से ऐसा भी लग रही है कि इस टाइम पर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जिसको आप नहीं लेना चाहते हो, पर फिर भी आप ले चुके हो या फिर लेने वाले हो। इस टाइम पर आपके दिल और दिमाग के बीच में कुछ लड़ाई हो सकती है, और आप अपने दिल से ज़्यादा आप अपने दिमाग को ही प्रेफर करने वाले हो। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, आप देख सकते हो। सो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, मैंने पहले ही बताया यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट है। सो कुछ ऐसा सिचुएशन अचानक से क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ में, जिससे आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो करने लगेगा, यानी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, आप एक्सट्रीम लेवल पर चले जाओगे, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, आपके आँखों से जो खुशी वाला आंसू है वो निकल जाएगा। ऐसा भी सिचुएशन किसी किसी के लिए मुझे क्रिएट होता हुआ भी दिख रहा है। जो भी हो, यहाँ पर एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में, और यहाँ पर कोई एक ऑफर प्रपोजल भी आती हुई दिख रही है लव लाइफ की तरफ से।
किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ये ऑफ़र आएगा जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सो यहाँ पर है 9 of Wands। जैसे कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक से देखकर बताया, आप अपने चारों ओर इस टाइम पर एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे कोई भी पर्सन आपके मर्जी के बिना आप तक यानी आपके दिल तक ना पहुंच सके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, किसी एक पर्सन को टारगेट करके ही आप अपने चारों ओर बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप किसी एक पर्सन को इस टाइम पर ब्लॉक कर सकते हो या फिर फ्रेंड लिस्ट से हटा सकते हो, या फिर शायद आपने ऐसा कर भी दिया है। ओके, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी एक पर्सन की तरफ से बार बार आपके पास एक अप्रोच या फिर एक ऑफ़र आ रही है या फिर आने वाला है, और उस पर्सन को आप चाहकर भी डिनाई नहीं कर पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, या फिर यहाँ से मुझे ये भी लग रही है कि कोई एक पर्सन के साथ शायद आप बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे या फिर हो, तो उस पर्सन की तरफ से एक प्रपोजल आपके पास फिर से आने की संभावना दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर है जस्टिस। तो देखो यहाँ पर बैलेंस बनती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक से देखकर आपको बताया था कि आपके लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये आप महसूस कर रहे थे या फिर कर रहे हो, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाली है। और कोई एक दिल ही ख्वाहिश आपका पूरा होने वाला है, कोई एक मैनिफेस्टेशन जो है वो आपका पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का डाया है, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, सो मैंने पहले ही आपको बताया था कि लव लाइफ की तरफ से आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके लव लाइफ के ऊपर। और यहाँ पर है लास्ट कार्ड है, ये है 8 of Wands। सो आप दोनों के बीच में, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में लव बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, कोई ट्रस्ट इशू था, तो यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है। और मुझे यहाँ से ये भी लग रही है, अगर बहुत दिनों से आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो उस पर्सन की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस कुछ रिसीव हो सकता है आपको इस टाइम पर। यानी आज से 8 दिन के अंदर आपको कुछ कॉल रिसीव हो सकता है या फिर टेक्स्ट रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर 8 तारीख को कुछ लोगों को ये रिसीव हो सकता है। ओके, और अगर आप सिंगल हो, तो मैंने पहले ही बताया एस ऑफ कप्स से कि आपके पास एक बहुत अच्छा लव ऑफ़र आने वाला है, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे। ओके, और आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा लगने लगेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं एक मून मैसेज। मून हमारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, सो मून मैसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम के लिए मून आपको क्या गाइड करते हैं, क्या मैसेज देते हैं। आप जो सुकून की तलाश में थे पहले से, तो वो सुकून इस टाइम पर आपको लास्ट कार्ड में यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओ माय गॉड, सो आप देख सकते हो यहाँ पर मून ने आपको मैसेज दिया है कि आपको इस टाइम पर पीस मिलने वाला है। और ये मैसेज ये भी कहता है कि इस टाइम पर, जैसे कि मैंने आपके पूरे रीडिंग में बताया, इस टाइम पर आपके लव लाइफ के ऊपर गॉड का यानी यूनिवर्स का यानी डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो देखो यहाँ पर मून मैसेज में भी यही आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइम पर आपको ज़्यादा दिमाग को नहीं चलाना है। वैसे भी डिवाइन की तरफ से जो लिखा हुआ है आपके लव लाइफ में, वही इस टाइम पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपके लव लाइफ की तरफ से। ओके, सो खुश हो जाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला है ये जो टाइम है आपके लव लाइफ के लिए। ओके, सो बाय।